नमस्कार, टीवी 9 पर प्राइम टाइम में स्वागत है। हुका पार्लर मुंबई में नशे के नए अड्डे बनते जा रहे हैं। बीएमसी की पाबंदी के बावजूद कई जगहों पर हुका पार्लर धड़ल्ले से चल रहे हैं और अब राजनीतिक पार्टियों ने हुका पार्लर को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल शहर में हुक्का पार्लरों के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी कर रहा है। शहर में हुक्का पीने और पिलाने पर पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी अब केवल कागजी बनकर रह गई है। ये आरोप लगाया है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की स्वरोजगार शाखा के प्रमुख राकेश शेट्टी ने। शेट्टी की माने तो शहर में ऐसे हुक्के पार्लरों की भरमार है जो नियमों की अनदेखी करते हुए चल रहे हैं। आजकल हम जब इन लोगों पे रेड किया तब इनके पास सिर्फ गुमस लाइसेंस है और इटेरिया का लाइसेंस है, मतलब जहाँ पे आप सिर्फ स्नैक्स ले सकते हो, मगर उसके एवज में इनका हुक्का पार्लर चालू है। क्योंकि बीएमसी ने आज तक एक भी हुक्का पार्लर को लाइसेंस ही नहीं दिया है। मतलब मुंबई में आज जो 500 से 600 हुक्का पार्लर है सभी इलीगल है। शेट्टी का आरोप है कि कई होटल ऐसे हैं जो केवल खाने की जगह का लाइसेंस लेकर हुक्का पार्लर भी चला रहे हैं, जबकि तंबाकू उत्पाद का कारोबार करने के लिए बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी लेना जरूरी है। और तो और, ये होटल नाबालिगों को भी हुक्के का सेवन करने से नहीं रोकते। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बीएमसी हेल्थ ऑफिसर का अप्रूव, आपको अप्रूवल चाहिए अगर चलाना है, मगर बीएमसी से जैसे मैंने बताया, मैंने अधिकारी को जब बात की आपने किस तरीके से लाइसेंस है, उन्होंने कहा कि हमने एक भी लाइसेंस इशू नहीं किया। मतलब जितने भी ये इलीगल है और ऑफिसर्स और ये हुक्का पार्लर मालिकों की मिली भगत है। शेट्टी के मुताबिक शहर में ऐसे 500 से 600 हुक्के पार्लर हैं और अगर पुलिस और बीएमसी ने इन पर कार्रवाई नहीं की तो वो अपनी ओर से इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मिलिंद सागरे, TV9। बुलेटिन में कुछ और अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए प्राइम टाइम।